देखो गाइस, इलाहाबाद में इतनी ठंडी है कंबल ओढ़ के चलना पड़ रहा है। मर गए भाई। देखो फॉग, तो समझ क्या हो गाइस, हालत खराब है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज अनमोल जैन फ्रॉम बुलबुल डायरेक्शन अवरमपुर। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी हम हैं नैनी जंक्शन में, जो कि ये रहा। ओके, तो ये है इलाहाबाद में, है ना? इलाहाबाद में जो है, जी जी इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में ही आता है। यहाँ की एक जगह है इलाहाबाद जो आपकी नैनी जंक्शन के नाम से स्थित है। यहाँ बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे मनोरंजन चीज़ें आपको मिलेंगी, बढ़िया से बढ़िया चाय मिलेगी, बढ़िया से बढ़िया गुटखा तम्बाकू मिलेगा। गुटखा तम्बाकू हम गुटखा तम्बाकू को प्रमोट नहीं करेंगे। ओके, बट ये बनारस के हिसाब से मैंने आपको बताया। सॉरी, यहाँ गुटखा तम्बाकू इतना फेमस नहीं है, बट आपको यहाँ आपको बढ़िया से बढ़िया अमरूद मिल जाएगा। अमरूद खाना हो तो प्लीज इलाहाबाद, और बिना सिगरेट का धुआं निकालना है मुंह से तो बिल्कुल इलाहाबाद आइए, आइए ठंडी के मौसम में। चालू है, चालू है ब्रो, चलो। देखो गाइस, डेंस फॉग, ये है इलाहाबाद, नॉट नवरंगपुर। ओके, एक ब्लॉग में बोल दे। क्यों बिट्टू, इलाहाबाद की ठंडी कैसी लग रही है? भाई हम तो यहीं बचपन से रह रहे हैं, आप बताइए। हमको तो बहुत भयंकर लग रही है, हमारी ठंडी बहुत जानदार है। अच्छा, बहुत ठंडी पड़ रही है। ये अपनी इलाहाबाद की सर्दी है, बड़े नसीबों से मिलती है। नहीं चाहिए भाई, नवरंगपुर में बहुत सुकून है। ये इलाहाबाद की ठंडी है, बड़ी नसीबों से आपको मिलेगी। आप रख लो, पहली बार आए हैं मेरे ख्याल से? आप पहली बार? नहीं, तीसरी बार आया हूँ। ठंडी में पहली बार आया हूँ, ठंडी में दूसरी बार आया हूँ मैं। काफी ठंडी है गाइस, बैक के मैप में दिखाता हूँ, कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक। सो गाइस, टाइम अभी हो रहा है 8:30। अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी आई है, ये तो अंधेरा था। आपको इसमें बहुत कुछ नहीं दिखेगा, और सन तो दिखेगा ही नहीं। अभी हमारे नवरंगपुर में तो सन दिख रहा होगा नीट एंड क्लीन, यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तो मतलब दिख जाए तो वही बहुत बड़ी बात है, हम लोग उनके सूर्य देवता के नमस्कार कर ले। 1 तारीख से आज तक दिखे नहीं है, कल हल्की सी झलक दिखलाई थी। 1 तारीख से नहीं दिख रहा, 1 तारीख से दिखे ही नहीं, पता नहीं कहाँ छुप गए हैं। 1 तारीख, 8 दिन हो गए, 8 दिन से तड़पा रहे हैं सूरज दादा हम लोग को। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। सो गाइस, पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं नाश्ते में। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अंधावा जैन टेम्पल। तीन नदियाँ आपस में मिल गई, उसी को संगम बोलते हैं। और ये है हावड़ा, हावड़ा ये नया पुल है इलाहाबाद। यहीं पे कुंभ का मेला होता है, देखो टेंट वगैरह लगे हुए हैं। सो गाइस, फिलहाल अभी हम सब लोग चाय पीने के लिए आए हैं अंकुर मामा की शॉप के बाहर। सो गाइस, फाइनली हम वहाँ घूम के आ गए। और चार्ज अभी किया है फोन,
अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं संगम घूमने के लिए, वहाँ पे 3 रिवर अटैच हुआ है, तो क्या कुछ सीन रहता है, क्या कुछ उसके बारे में पता चलता है मैं बताता हूँ। तो इतने लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल, चलो मसा जी संगम, सभी लोग संगम जा रहे हैं। हाँ चलो ठीक है। हाँ चलो चलो क्या जी संगम स्पेशल क्या है बताओ बताओ जल्दी धीरे जी बताओ संगम में क्या चीज स्पेशल क्या है? अभी देखेंगे तभी तो बताएंगे। 3 रिवर मिले हुए हैं बोल रहे थे ना, तो मैं नहीं बोल रहा था, भैया ने बताया था मुझे। मैं तो संगम स्पेशल क्या है? गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। अच्छा अच्छा एक साथ है तीनों नदियों का। टोटल 12 जन जा रहे हैं हमारे साथ। ओके दो टमटम कर रहे हैं, दो टमटम हो गए गाइस, यहाँ तो 4 आ गई, 2 के जगह 4 टमटम आ गई। अरे 1, 2, 3, 4 और ये 150 रुपया सवारी, 150 रुपया, 150 रुपया संगम के लिए जा रहे हो? संगम के लिए जा रहे हो? हाँ संगम के नदी पे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया। तो गाइस हम आ गए हैं संगम, यहाँ पे हो रहा है कुंभ का मेला, भीड़ तो बहुत कुछ ज्यादा ही है। फिलहाल इतने जन आए हैं और एक और ऑटो आ रही है, एक टमटम आ गई और एक और आ रही है। नहीं हमारी टमटम पहले आई है सॉरी बाद में आई है, उनकी पहले आई है तो हम उनसे पहले पहुंच गए। कब गाड़ी जा रही है? हैं सारी गाड़ी जा रही है। कहाँ जा रही है? गाड़ी अलाउड नहीं है। तो गाइज ये है मेला, यहाँ पर हो रहा है मेला मतलब झूले वगैरह लगे हुए हैं। ओके पास में जाके देखेंगे। तो गाइस ठंड बहुत लग रही है, सबसे पहला काम टोपा लेना है, तो हालत खराब हो जाएगी, हम नहीं सह सकते इतनी बड़ी इतनी ठंडी। सो गाइस कुंभ के मेले में बच्चे लोग ही नहीं खोते, बड़े लोग भी खो जाते हैं। ये देखो हमारे सामने लोकेशन भेजा, लाइव लोकेशन, ये देखो मिल गए, कुंभ के मेले में खो गए थे आप, सभी लोग मिल गए, सभी लोग मिल गए। कुंभ मेले की क्या क्या बोलते हैं इसको, दो लगे हुए हैं झूले, सॉरी मेला। आ गया हनुमान मंदिर, तो ये हनुमान मंदिर है भाई साहब। ये आ रहे हैं मौसा जी। ओके सो यहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं, ये वो जगह है जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं। ये है हनुमान जी लेटे हुए हैं, अंदर जा नहीं पाएंगे वहाँ बहुत भीड़ है। यहाँ फोटोशूट चल रहा है गाइस देखो। सो गाइस हनुमान जी का दर्शन हो गया, अब मैं इस ब्लॉग को वहीं जाकर एंड करूँगा, यहाँ पे नहीं होगा, बहुत रशेस है। ओके तो हमारी पार्टी यहाँ पे है, सेल्फी तो हमने ले ली, बताना चाहता हूँ ब्लॉग में सब आ रहे हैं। सो गाइस अब हम आए हैं संगम दर्शन करने के लिए, 3 रिवर एक संग लिंक हुआ है, इंटरलिंक गंगा यमुना सरस्वती, तो लेट्स सी। बैठो बैठो ऑटो कैंसल बिकॉज बेली गेट तक छोड़ेगा। चल चल के जा रहे हैं। अपने वीडियो में बता रहे हैं आपको कुछ बता रहे हैं। कैसा लगा 9,000 रुपए मिल के आपको घूम के मेले में, आपको 9,000 रुपए मिला कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरे को खर्च करने का मन कर रहा था, फिर रिटर्न दे दिया। रिटर्न दे दिया मैंने, किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। चलो अच्छी बात है, मेहनत का पैसा होता है। रोड में लोहे की सीट डाली गई है ना, ये देखो गाड़ी वगैरह जाने के लिए। तो चल चल के 4 किलोमीटर आ गए, अभी तक संगम नहीं आया है, मतलब है करीबन बहुत दूर है, आधा किलोमीटर और है। हम लोगों की आंखें जल गई बिकॉज यहाँ पे टेंट हाउस लगा हुआ है, तो वहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, तो वो पॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम लोगों की आंखें जल गई, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो फाइनली पहुँच गए और थोड़ा बाकी रह गया। तो सारे आ गए या कोई ना कोई गायब है यहाँ पर? सब आ गए, चलो। सुबह के वक्त जो टेंट दिखाए थे वो टेंट कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके तो गाइस बचपन में एक बार ही आया था मैं यहाँ पर,
अब जाके अब आ रहा हूँ। इतना बड़ा है गाइस, ये कम से कम 40 एकड़ में फैला हुआ है, एक दो एकड़ में नहीं फैला हुआ है, और करीबन मतलब 20,000 स्टॉल लगे होंगे, ज़्यादा ही लगे होंगे बट मैं बता दे रहा हूँ। और हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर, वॉशरूम की सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा है, और खासकर गंदगी की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल किया जा रहा है, कहीं भी गंदगी नहीं फैलाई जा रही है, नीट एंड क्लीन है गाइस यहाँ पर। सो अब हम दर्शन करेंगे संगम का। ये हम चल रहे हैं मिट्टी के ऊपर। ओके गाइस, फाइनली पहुँच गए संगम रिवर, जो कि यही है, ये है हमारा संगम रिवर। यहाँ पर 3 रिवर अटैच हुए गए हैं, एक गंगा है, एक यमुना है, एक सरस्वती है। ओके यहाँ पे बतख वगैरह बहुत सारे हैं। सो गाइस, 3 नदियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इसीलिए इसका नाम संगम रखा गया है। ओके, और कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं। आइए यहाँ पर, गंगा, यमुना, सरस्वती है, ये तीनों संगम होता है आगे जाके। अच्छा, इसलिए इसका नाम संगम रखा गया है। इसका नाम संगम रखा गया है। आप आइए ये जगह पर, इलाहाबाद अगर आ रहे हो तो यहाँ पे जरूर आइए, बहुत पीस मिलेगा। टाइम कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा, मेरे को जहाँ जैसा पता चला मैंने बताया, जैसा मेरे को लगा मैंने आपको बताया। तीनों नदियों का एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे उनका मिलन होता है उसे संगम बोलते हैं। वो पॉइंट वो लकड़ी वगैरह लगी है, बल्लियाँ लगी हैं, वो है एग्जैक्ट पॉइंट। अच्छा अच्छा, शूटिंग करके देखा, ये पॉइंट है। अच्छा, मैं इसको एरो करके देखा। ये देखो गाइस, ये जल है संगम का, है नदी का पानी। ओके, संगम जल गाइस, संगम, ये गंगा जी है और ये यमुना जी है, और बीच में क्या है, सरस्वती। तो तीनों का मिलन है इसीलिए इसको संगम कहा जाता है। ओके, आरती चालू हो गई है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से आरती होती है। बहुत आलीशान तरीके से हो रही है, हमारे यहाँ डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ पर कैसे हो रही है लेट्स सी। सो फाइनली गाइस, अब हम जा रहे हैं रोम, फिर वहीं पर दी व्लॉग को एंड किया जाएगा। ओके, पहुंच गए हम अपनी पॉइंट में, एक ऑटो में 14 लोग 14 लोग एक ऑटो में, बड़ा वाला ऑटो है नो डाउट। तो आज दर्शु जाएगी बाहर, ये नहीं जाएगी, है ना, क्यों? पिटाई लगा, लालू दीदी की पिटाई लगा, चाची को मारे, बुआ को लगा, लालू बुआ को लगा, लगा लालू को, लगा लालू को, लालू को लगा, लालू कह रहे हैं, प्रीशा लालू कह रहे हैं, लालू नहीं कहते ना, पागल लालू कहते हैं, लालू लालू बोला कर, ठीक है, बुआ लालू है। ए दर्शु, लालू बुआ जानती हो आप, क्या बोलती हो आप? लालू बुआ पोटी कह रही है। ले बाकी दे। क्यों 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 क्यों, क्या हुआ, क्या हो गया, क्या चाहिए, किसने डांटा तेरे को, क्यों, ये कौन खाएगा? तुम जानते हो।
गाइस फाइनली पहुंच गए हम अपने रूम, घूम घाम के आ गए, थक गए हैं, अब सो जाएंगे। ओके, जो कंटेंट बनाना था बना लिया हमने। गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, हमारे नवरंगपुर के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठंड है। वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो हम रात को पंखे लगा के सोते हैं, यहाँ पे तो बिना कंबल के आप सो नहीं पाओगे। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।